सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 4 बेस्ट रेडमी न्यूली लॉन्च 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर आप बोले डिस्प्ले मिल जाएगा, 120Hz की रिफ्रेश रेट भी मिलेगा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए बजट में रेडमी की 5G स्मार्टफोन तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए फ्यूचर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसलिए जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 10,000 के आसपास एक बजट रेडमी 5G स्मार्टफोन तो आप इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों, ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 13 से 5G, जहाँ पे आपको 10,000 के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं क्या कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलने वाला 90Hz के रिफ्रेश रेट विद 450 नीट पीक ब्राइटनेस। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको काफी अच्छी कैमरा भी मिलने वाले। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों, वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है। और दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब इस डिवाइस पे आप दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, 128GB प्लस 4GB, 128GB प्लस 6GB और 256GB प्लस 8GB। उसके साथ साथ जो वर्चुअल रैम के सपोर्ट है वो भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आपके रैम को मल्टीपल कर सकते हो। वहीं पे बात करें OS की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 रन होता हुआ मिलेगा। दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और वहीं पे दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 128GB, उसकी प्राइस 11,000 है। और यहाँ पे कोई भी सेल आता है तो 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम 10, तो इसकी प्राइस अंडर 10,000 तक आ जाता है। और नॉर्मल टाइप पे इसकी प्राइस 11,000 रहता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप जरूर ले सकते हो, काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। Redmi की तरफ से Redmi 12 5G, तो दोस्तों, ये जो डिवाइस है जब लॉन्च हुआ था तो काफी पॉपुलर गेन किया था इसके लुक एंड डिजाइन और इसकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम लुक और काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके जान लेते हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जिसकी मदद से इमोबाइल काफी प्रीमियम इन हैंड फील देगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विद 550 नीट पीक ब्राइटनेस। वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Snapdragon 4 Gen 2 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, जिसके Antutu स्कोर 4 लाख के आसपास है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4GB रैम, 128GB रोम मिलेगा बेस ब्रांड पे। बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का है। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, इस डिवाइस में आपको IP53 का रेटिंग मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे रन होगा। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। उसके साथ साथ जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 13,500 है। और जो 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बात करें सेल की, तो अगर बड़ा सेल होता है तो जो Redmi 12 5G की बेस ब्रांड है
उसकी प्राइस 10,000 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल टाइप में आपको 500 to 1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अंडर 12,000 में आप अगर बेस्ट प्रीमियम एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप जरूर जा सकते हो Redmi 12 5G के साथ। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और फीचर भी काफी तगड़े मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi Note 13 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पे बैक कंप्लीट की ग्लास की होने वाला है। इस डिवाइस की वेट ओनली 174 ग्राम है। ग्लास बॉडी के साथ भी काफी हल्का, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वो मैं बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का फुल HD+ एमुलेट डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 1 बिलियन कलर मिलेगा इस डिस्प्ले के। और डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले 120Hz के रिफ्रेश रेट, जो डिस्प्ले को काफी स्मूथ कर देगा। आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले 1000 nits पीक ब्राइटनेस, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले को सेफ रखने के लिए यहाँ पे दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वह भी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। इस डिवाइस के आपको 3 RAM ROM वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट 6GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB। तो रैम रोम वेरिएंट काफी ज्यादा मिलने वाला है। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग। डिवाइस की सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलने वाले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिंगल स्पीकर ही मिलेगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 पे। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गए इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो 6GB plus 128GB वाला वेरिएंट है, उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 to 18,000 के अंदर फ्लैक्चुएट हो रहा है। उसके साथ साथ 8GB plus 256GB का जो प्राइस है वो 19,000 है, और 12GB और 256GB का प्राइस अभी करंट टाइम पे 21,000 के आसपास है। पर मैक्सिमम टाइम बेस वेरिएंट पे यहाँ पर 1,000 या 1,500 इसके आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है। डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आ रहा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी वेरिएंट को चूज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।